महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के हरसिद्धि परिसर में कर्कोटेश्वर महादेव के नाम से 10वें महादेव विराजमान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्पों की माने सांपों के द्वारा अपना वचन भंग करने से श्राप दिया कि वे सब जन्मेजय के नाग यज्ञ में जल मरेंगे। इससे भयभीत होकर शेष हिमालय पर कंबलनाग ब्रह्मा जी के लोक में, शंखचूड मणिपुर राज्य में, कालिया नाग यमुना में, धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, एलापत्र ब्रह्मलोक में और अन्य कुक्षेत्र में तप करने चले गए। एलापत्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान माता के शाप से हमारी मुक्ति कैसे होगी? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप महाकाल वन में जाकर महामाया के पास सामने स्थित लिंग की पूजा करो। तब कर्कोटक नाग वहां आया और उसने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, जो नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका विनाश नहीं होगा। इसके उपरांत कर्कोटक नाग वहीं लिंग में प्रविष्ट हो गए। तब से उस लिंग को कर्कोटेश्वर कहा जाता है। जो लोग पंचमी, चतुर्दशी और रविवार को कर्कोटेश्वर की पूजा करते हैं उन्हें सर्प पीड़ा नहीं होती है। आपका नाम बताओ क्या? मेरा नाम कृष्ण किशोर जोशी और मैं यहाँ का सेवक हूँ। यह काम महात्म यह है कि यह कर्कोटेश्वर महादेव 84 महादेव उज्जैन अवंतिका क्षेत्र में 84 महादेव है, उसके 10वां नंबर आता है। यह कर्कोटेश्वर नाग देवता है। इन्होंने नाग देवता की रक्षा करने करी अर्थात तो ये काल सर्प दोष और पितृ दोष का निवारण करने वाले। इनके दर्शन करने से भी दोष में परिवर्तन में बदलते हैं। इनके दर्शन करने से जो है भयभीत नहीं होता, सर्प का भय नहीं रहता है, अतः दरिद्रता नहीं आती है और तीनों यात्रा का फल की प्राप्ति करते हैं। शिवरात्रि के दिन इसका व्रत करते हैं तो पर्यांत शिव लोक में स्थान रहता है तथा सर्व कामना पूर्ण करने वाले। यहाँ माता मनसा माता भी है, जो नाग देवी की नाग देवता की माता मनसा माता है। काल सर्प यंत्र भी है। कर्कोटेश्वर अनंत नाग देवता, कश्यप नाग, श्रेष्ठ नाग, कालिया नाग, भारद्वाज नाग देवता, ये बारह नाग देवता का है। 84 महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।